कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप नई गाड़ी घर पे लेके आए हैं और आते ही आपको दिखता है यार इस गाड़ी के अंदर तो ये चीज खराब है, इस गाड़ी के अंदर वो चीज खराब है। सोच के देखिए आपका दिमाग का क्या दही हो जाएगा। ऐसा ही हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ, जो महिंद्रा थार को लेके आए, जो कन्वर्टेबल वाली है वो वाली महिंद्रा थार लेके आए, और उनको पहले ही दिन दिख गया क्या यार मेरी इस थार में ये दिक्कत है। सोचिए एक गाड़ी जिसकी वेटिंग 6 से 7 महीना है, वो कहीं कहीं पर 8 महीना 1 साल तक की वेटिंग है किसी किसी वेरिएंट की। इतने टाइम के वेट करने के बाद वो गाड़ी घर लेके आते हैं, उनको मालूम चलता है भाई साहब इस गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे ठीक करूँ इसको, क्या करेंगे आप। अब आपको इंसिडेंट बताता हूँ मैं हुआ क्या है। हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अपनी गाड़ी घर लेके आते हैं और गलती उन्होंने क्या कर दी कि शोरूम में ही उन्होंने जो कन्वर्टेबल हार्ड टॉप है उसको खोल के नहीं देखा। कन्वर्टेबल हार्ड टॉप को खोल के देखा नहीं, और घर पे आके खोल के देखा तो उनको मालूम चला कि जो पीछे का एरिया है जहाँ से सॉफ्ट टॉप कनेक्ट होता है बॉडी के साथ वो टूटा हुआ है। हालांकि उन्होंने सर्विस सेंटर में कंप्लेन की है कि ये चीज़ है, तो सर्विस सेंटर वाले ऑब्वियसली क्या कहेंगे, ऑब्वियसली ये कहेंगे कि सर आप अपनी गाड़ी को हमारे पास लेके आइए, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर शोरूम वाले इसको रेक्टिफाई कर सकते थे तो वो अपने एंड पे रेक्टिफाई क्यों नहीं किया उन्होंने। उनके हिसाब से वो PDI करते हैं हर गाड़ी की डिलीवरी से पहले, करेक्ट, और वहाँ पर एक स्टिकर भी लिखता है कि PDI डन ओके, और एक बुकलेट होती है जो महिंद्रा की आती है ना साथ में, बुकलेट के अंदर भी एक होता है PDI डन ओके। अब इतना सब कुछ करने के बाद क्या महिंद्रा ने या शोरूम वालों ने इस कन्वर्टेबल को खोल के देखा नहीं कि ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इस कॉन्वर्सेशन को पूरा सुनिए। हाँ जैसे डिलीवरी ली तो उस टाइम पे तो मैंने वो हाँ सॉफ्ट टॉप जो था ना उसको कन्वर्ट किया नहीं, क्योंकि ओके वही तो शोरूम पे जो उन लोगों ने भी बोला था कि अभी कर तो देंगे पर फिर वापस अटैच करने में थोड़ा टाइम वाइम लगेगा, ऐसा ऐसा फील था। ओके तो फिर जब हम लोग घर गए तो फिर ऐसे ही बैठे थे, तो फिर हमने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, तो ट्राई किया बट तो वापस हमने उसको अटैच किया ना, तो उस टाइम पे हमारा ध्यान हो जाएगा जो टायर वाला था ना पोर्शन जो टूटा हुआ, हाँ तो वो जब टाइट कर रहे थे तब देखा वो डैमेज हुआ, तो एक उसको तो हमने कर दिया। फिर दूसरे दिन देख रहे थे तो दूसरी साइड वाला जो था ना वो भी अपने आप डैमेज हो गया था। ओके। हाँ सही। तो ये आपने सर्विस सेंटर पे कॉल किया क्या फिर? हाँ मैंने तुरंत ही जो पहले दिन लाया ना उसी दिन मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेजा, तो उसने ओके बोला हाँ ठीक है आप सर वहाँ पर आ जाना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा शायद तो वो करवा देंगे ऐसा बोला। तो ये कब का इंसिडेंट है, आपने कब गाड़ी परचेस किया था? अब ये 21st था। 21st ऑफ दिस मंथ। हाँ नहीं अच्छा, ये मतलब प्रोडक्शन फॉल्ट ही है मेरे को लग रहा है। अब उसने तो ऐसा ही बोला कि शायद मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, तो हाँ उन्होंने बोला कि गाड़ी एक बार शोरूम पे लेके आ जाना तो हम करवा देंगे ऐसा करके बोला। तो आप शोरूम पे लेके गए थे क्या? नहीं एक्चुअली इस बार मैं थोड़ा बिजी था तो मैंने उसको बोला मंडे ट्यूजडे में मैं लेके जाऊंगा। तो ये मेरे को आपने किसी और से बात करके देखा है जिनके पास ये कन्वर्टेबल है? नहीं एक्चुअली नहीं देखा मैंने, क्योंकि बट जैसे शोरूम पे मैंने पता किया था तो उसने भी वही बोला कि ये शोरूम की अभी सेकेंडरी कन्वर्टेबल ली है, अभी तक सारी हार्ड टॉप ही गई होगी। ओके ओके बट ये तो उनका PDI में चेक होना चाहिए था कि दिक्कत कुछ है क्या, हाँ भाई है ना मुझे शोरूम ऐसा लग की। रहा है कि शायद काफी टाइम तक वो धूप में रखी होगी ना, तो उसके जो शायद उसका जो रीजन होगा वो हार्ड भी हो जाता है ना कई बार धूप ज्यादा लगने से। नहीं नहीं ये गाड़ी क्या करते हैं मतलब काफी लंबा टेस्ट करते हैं, मेरे हाँ हिसाब से हाँ धूप इन्होंने देखा सोचा होगा इतना तो कि धूप में खड़ी रहेगी गाड़ी तो रेजिन हार्ड नहीं होना चाहिए। हाँ एक्जेक्टली वो तो हमारा भी था, या फिर जैसे उसका फिटिंग जो बस फिटिंग वगैरह करते हैं तो हाँ जनरली वो थोड़ा ज्यादा टाइट कर गया होगा, तो उसकी वजह से भी वो हो सकता है ज्यादा फोर्स आ रहा होगा या फिर ऐसा कुछ तो हो सकता है रीजन। पॉसिबल तो है, बट आपको क्या लग हाँ रहा है कि ये आपके लिए सही है गाड़ी अभी, मतलब आपने जो नहीं आप कन्वर्टेबल लिया है हार्ड टॉप की जगह? नहीं मुझे भी अभी वही, अगर मुझे चांस मिलता है कंपनी की तरफ से कि हार्ड टॉप लेना, अगर हम उसकी जगह करने हैं या फिर कुछ थोड़े एक्स्ट्रा देके अगर हार्ड टॉप में कन्वर्ट करवाने का बोल देते हैं तो मैं करवा लूंगा, क्योंकि मुझे भी लग जाए क्योंकि नॉइस प्रॉब्लम भी ज्यादा है, जैसे 80 के पास जाता हूँ ना तो नॉइस हो जाता है।
अब देखिए इन्होंने सर्विस सेंटर में कंप्लेन तो कर दी है, वो लेके जाएंगे अपनी गाड़ी, उसके बाद कितना टाइम वो लगाएंगे वो भी नहीं पता, वो पार्ट अवेलेबल होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक सिर्फ दो गाड़ियां ही डिलीवर हुई हैं वहाँ पर कन्वर्टेबल। बाकी सारे हार्ड टॉप डिलीवर हुए हैं लेकिन कन्वर्टेबल सिर्फ दो डिलीवर हुई हैं। दो डिलीवर हुई तो मुझे लगता है कि पार्ट्स की कमी भी रहने वाली है, और ऐसा इश्यू जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हुआ है या फिर मिसहैंडलिंग की वजह से हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो गाड़ी मैंने परचेस की वो 21st को की है, और सोचिए आज डेट क्या है, आज है 24th, मतलब 4 दिन के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा इंसान के अंदर, आप सोच नहीं सकते नई गाड़ी के साथ ऐसी दिक्कत हो। अब मैंने इनसे पूछा कि आप इस गाड़ी को लेकर खुश हैं, तो ये कहते हैं कि अगर महिंद्रा मुझे ऑप्शन देगी हम इस गाड़ी को वापस ले लेते हैं और आपको एक हार्ड टॉप वाले गाड़ी का ऑप्शन देते हैं तो क्या आप लेंगे, तो वो कहते हैं जी हमें गाड़ी को रिटर्न करके हार्ड टॉप वाला वेरियंट ले लूँगा अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता हूँ। तो अगर आप महिंद्रा थार कन्वर्टेबल लेने की सोच रहे हैं तो एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सॉफ्ट टॉप की तरह ही बिहेव करेगा, कहने को तो वो कन्वर्टेबल है लेकिन इंडिया के हिसाब से कन्वर्टेबल काम नहीं होता, और पुरानी वाली थार का जो सॉफ्ट टॉप है सोच लीजिए इसमें भी वैसे ही वाइब्रेट करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और महिंद्रा थार परचेस करने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देखेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मास्क पहनिए, सैनिटाइजर हाथ में लगाते रहिए और डिस्टेंस बना के रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।